आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत है। आधुनिक भारत के प्रथम स्थापित विश्वविद्यालयों में से एक 134 वर्ष पुरानी राष्ट्र निर्माण की गौरवशाली परंपरा के संवाहक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक विजयनगरम हॉल के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। कई बार इतिहास में ऐसा क्षण आता है जो एक राष्ट्र को उसकी पहचान के नए स्वरूप देता है। जब भी एक राष्ट्र एक कठिन परीक्षा की घड़ी को पराक्रम के ओज से भर देता है, वह क्षण स्वर्णिम विजय का होता है। 1971 में हमारे इतिहास में एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आई थी जिसमें हमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। भारतीय सेनाओं ने दोनों ही मोर्चों पर सहक्रियात्मक रूप से लड़ाई लड़ी और हवा में, जमीन पर और समुद्र में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। त्वरित कार्यवाही पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने सभी क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम रखा। अंत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सेना द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। इसके साथ ही बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में मुक्त हो स्थापित हुआ। इस स्वर्णिम विजय के स्वर्ण वर्ष में स्वर्णिम विजय मशाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित अमर जवान ज्योति से चार मशाल प्रज्वलित कर देश भर में भेजी गई। ये मशाल आज विश्वविद्यालय में भारतीय सेना के UPMP एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन द्वारा माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को सौंपी जाए। मशाल के स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्षों, शिक्षकों के अलावा हमारे NCC और NSS के छात्र मौजूद हैं। इसके अलावा इस गौरवशाली क्षण में हमारे फेसबुक और YouTube से सीधे प्रसारण से दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होगा। मशाल के आगमन के साथ ही मशाल हमारी कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी को दी जाएगी और उसके बाद हमारे सेना का सिंफनी बैंड कुछ धुनें प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात हमारा संगीत विभाग कुछ देशभक्ति के गीत प्रस्तुत करेगा और फिर हमारे युवा कवि श्लेष गौतम, जो हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षक भी हैं, वो एक देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करेंगे। हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर राजा राम जी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करेंगे, इसका गायन करेंगे वो, और उसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन चंद शब्द कहेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चलेगा। Thank you.
लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन के एड्रेस के बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ होना है जो मशाल के साथ हमारे सभी शिक्षक एवं ऑफिसर्स का यहाँ पर हेड्स एंड डीन्स एंड ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी एंड अदर इनवाइटेड गेस्ट्स फ्रॉम द आर्मी दे विल बी हियर कमिंग हियर ऑन टू द स्टेप्स ऑफ द विजयनगरम हॉल और आप सभी का एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा जो इस क्षण को हमारी याद में संजो कर रखेगा। इस अवसर पर हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन। उनके साथ हैं यूपी और एमपी सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जे एस फैसला और सेना के अन्य ऑफिसर्स। आप सभी का और आपके साथ उपस्थित आपके परिवारजनों का विश्वविद्यालय प्रांगण में हम स्वागत करते हैं। शीघ्र ही मशाल आएगी, हम सबका उसी का इंतज़ार है। इस मशाल का विश्वविद्यालय में आने का निहित संदेश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां यहां मौजूद हमारी युवा पीढ़ी को हमारी सेना की गौरवशाली विरासत प्रतिबिंबित करती हुई लगती है। वे कहते हैं, एंड आई कोट हिम, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छा सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। ये शाम विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अवश्य प्रेरित करेगी। हमारे एनसीसी और एनएसएस के तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए ये एक यादगार क्षण होने वाला है। जब तक हम मशाल का स्वागत करते हैं, दिनकर जी की कविता के जो कुछ लाइंस मैंने सुनाए थे उसी को मैं आगे पढ़ती हूँ।
हम सपूत उनके जो नर थे, अनल और मधुमिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन था हलाहल, जितना कठिन खड़ग था कर में उतना ही अंतर कोमल। थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों से, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम शाकरी विक्रमादित्य हैं अरिदल को दलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले, हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जियो जियो ए देश की पहरे पर ही जगे हुए हैं हम, वन पर्वत हर तरफ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम, हिंद सिंधु की कसम कौन इस पर जहाज ला सकता है, सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। पर कि हम कुछ नहीं जानते, अपनी किंतु बचाएंगे, जिनकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुंचाएंगे, हम प्रहरी यमराज समान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन, सेना में भी विशिष्ट सेवा में भी, और उनके साथ यूपीएमपी सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जे एस फैसला हमारे बीच आ चुके हैं। पॉइंट बताइए।
स्वर्णिम विषय मशाल का आगमन विश्वविद्यालय प्रांगण में शीघ्र ही होने वाला है। हो गया। आगे। मशाल का आगमन हो चुका है। मशाल के स्वागत के लिए लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया मौजूद हैं। वे मशाल हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को देंगे। मशाल के आगमन के लिए हमारे एनसीसी के कैडेट्स पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। भीड़ जब तक हम लोग भी हैं। अरे भाई हम मैं 2 मिनट हम लोग किया वहाँ से आ जाएगा। हम लोग तुरंत पीछे मुझे भारतीय सेना की वीरता या गया भी सर्वोच्च परंपरा की यात्रा नहीं है। सर सर भाई साहब भारतीय प्रणाम। मुझे नशा हमारे बीच में है। इधर पहुंचे मैंने सबकी जान सूखी है। कोई हल कौन नहीं गया। ऐतिहासिक शॉर्ट कर दो।
आप लोग आइए सर, हाँ बस सर आ जाए। मैम थोड़ा सा ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। मैं माननीय कुलपति महोदय मिस्टर संगीता श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल जे एस बैंसला जनरल ऑफिसर कमांडिंग पूर्व यूपी एंड ऑल द ब्रिगेडियर्स कर्नल्स एंड मेजर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण, विभाग अध्यक्ष, छात्र छात्राएं, हमारे समस्त ऑर्गेनाइजर्स एवं अन्य सभी, आज के इस दिन में अपने बचपन के वो क्षण स्मरण हो आए जब 1971 के वॉर में सिविलियंस की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। अक्सर ब्लैकआउट हो जाता था और रात में काले शीशे लगा दिए जाते थे घरों में और एक सायरन बजने पर सारी लाइट्स ऑफ करने के निर्देश थे। मैं शायद उस समय 6 साल की बच्ची थी, पर मुझे वो दिन याद आ गया कि हाँ, ये एक वॉर हुई थी और 1971 का जो भारत पाक युद्ध, भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था, दिसंबर 1971 में 16 दिसंबर को हुआ था और ये ढाका समर्पण के साथ समाप्त हुआ। ढाका इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:40 पर पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पाक सीमा में 440 किलोमीटर दूर बसे आगरा सहित 11 वायुसेना के ठिकानों पर अप्रत्याशित हमले कर दिए। इसके साथ ही भारत पाक युद्ध की घोषणा हो गई। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता को इसकी सूचना देते हुए कहा, कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उतरलाई, जोधपुर, अंबाला व आगरा के कई हवाई अड्डों पर बमबाजी की। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर आ गई है। मुझे एक मिनट का भी संदेह नहीं है कि भारत की जनता और भारत के बहादुर सेना विजय होगी और जैसा प्रधानमंत्री ने संकल्पना की थी वैसा ही हुआ। 13 दिन युद्ध चला और भारत की विजय हुई। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया। पाकिस्तान के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने भारत के पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण किया। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और आज के समय में बांग्लादेश के नाम से हमारे विश्व के मैप पर अंकित है। बांग्लादेश से आने वाले बहुत सारे शरणार्थी भारत पर आर्थिक बोझ डाल रहे थे और बांग्लादेश का बनना अति आवश्यक था और इस आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश एक छोटा सा देश हमारे पड़ोस में निर्मित हुआ। यहाँ पर कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को स्मरण करना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि वे इलाहाबाद के थे और 19 दिसंबर 1971 की काली रात को 8:45 पर अरब सागर में पाकिस्तानी सबमरीन PNS हुनूर ने भारतीय जलसेना के जहाज़ INS कुकरी में छेद कर दिए थे।
जहाज का डूबना निश्चित था। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला उसी जहाज पर बैठे रहे। उन्होंने एक सिगरेट जलाई और उसी जहाज के साथ खुद भी डूब गए। अपने जीवन का बलिदान देकर आपने जल सेना के कर्तव्य को निभाया, उनको भी आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1971 के युद्ध में भारतीय थल सेना जनरल मानेकशॉ का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक परिस्थितियों का जो द्वंद्व था, उसमें पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। वहाँ से भारत आने वाले शरणार्थी बहुत अधिक संख्या में थे और भारत पर बोझ बराबर बन रहा था। ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने SSMJ जनरल मानेकशॉ से पूर्वी पाकिस्तान में कार्यवाही करने के लिए कहा, जिसको वो बचा ले गए। और उन्होंने कहा, यदि युद्ध मुझे अपनी शर्तों पर तैयारी करने के लिए आप परमिट करें तो मैं अपनी तरह से तैयारी करना चाहता हूँ, जिसकी परमिशन तुरंत प्रधानमंत्री ने उन्हें दे दी। उन्होंने बहुत गंभीर तरीके से तैयारी करी और इस तरह भारत की पराक्रमी सेना ने काफ़ी पहले से ही युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत पर आक्रमण किया तो भले ही वो विश्व के लिए अप्रत्याशित था, किंतु भारत के लिए एक सोची समझी योजना थी। पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान आक्रांता बन गया। शीत ऋतु में हिमालय के दर्रे बर्फ के बंद हो जाते हैं, जिससे युद्ध से चीन का हस्तक्षेप न्यूनतम रहा। और इस तरह से जनरल मानेकशॉ ने 1970 के युद्ध की एक ठोस रणनीति तैयार करके रखी थी। 1971 के युद्ध में भारत को की तीनों सेनाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जहां वायुसेना ने कई सफल आक्रमण किए, वहीं जलसेना ने भी रण कौशल का परिचय देते हुए कराई बंदरगाह को तबाह कर दिया। 1971 के युद्ध के कई हीरो थे, जिन बहादुर सैनिकों के नाम सुनकर मस्तक गर्व से उठ जाता है। इनमें ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो उस समय मेजर थे और प्रसिद्ध लोंगोवाल युद्ध के लिए भारतीय सेना में याद किए जाते हैं, उन्हें महावीर चक्र मिला था। फिल्म बॉर्डर, जो कि लोंगोवाल युद्ध पर आधारित है, उस फिल्म में सनी देओल ने चांदपुरी की भूमिका अदा की है। मेजर होशियार सिंह, जिन्हें खुद को गोलियां लगी थीं, खून से लथपथ थे, पर उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और कई पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया। इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह थे, जो अकेले वायुसेना के पायलट हैं, जिन्हें वीरता के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे, जिनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। लॉयंस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत हिल्ली के युद्ध में परमवीर चक्र प्रदान किया गया। इस युद्ध में भारत के 2,998 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 7,986 घायल हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक घटना मेजर जनरल इयाम कार्डोजे की है। तब तो गोरखा बटालियन के मेजर थे। सिलहट की लड़ाई में गोरखा बटालियन में 4 अफसर थे, 3 JCO और 123 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 16 दिसंबर की सुबह जब सीमा सुरक्षा बल के कमांडर ने बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर के लिए तैयार करके देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि वहाँ भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। मेजर कार्डोजे को उनकी मदद के लिए भेजा गया। वहीं कार्डोजे का पैर पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग पर पड़ा और उसके चीथड़े उड़ गए। कार्डोजो ने डॉक्टर से मॉर्फिन देने के लिए कहा। डॉक्टर ने मॉर्फिन देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में मॉर्फिन और सारी दवाएं नष्ट हो गई हैं। मेजर कार्डोजो ने अपने सहायक से खुखरी लेकर उससे पैर काटने के लिए कहा, पर उन्होंने भी उनका साथ ना दिया। उसके बाद मेजर कार्डोजे ने स्वयं अपने हाथ से अपना पैर काट के वहीं दफना दिया। और इस तरह की कितनी सारी शौर्य गाथाओं के साथ इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय पराक्रम की कीर्तिमान स्थापित किए थे। आज हम 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं।
और शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए जो स्वर्णिम विजय मशाल आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक विजय नगरम हॉल में आई है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने देश पर मर मिटने वाले वीरों को ऐसे शानदार तरीके से याद करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो कि अविस्मरणीय है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शहीदों को सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया। आज के इस विशिष्ट अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए आज हमारे मध्य सेना के सिम्फनी बैंड मौजूद है जो अपनी कुछ चुनिंदा धुनें प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले प्रस्तुत है भारत माता को समर्पित सूबेदार मेजर जयप्रकाश शर्मा द्वारा निर्देशित धुन वंदे मातरम। Thank you.
प्रस्तुति के बाद एक धुन जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित शब्द पर आधारित है और हमारे सिख रेजिमेंट की मोटो है, ते शिवा वर मोहे। ये धुन सुबेदार मोतीलाल द्वारा निर्देशित है। Thank you.
वीरता और त्याग से ओतप्रोत इस धुन के बाद अगली प्रस्तुति देश पर सर्वोच्च नछावर कर देने की भावना से प्रेरित है धुन है मेजर जे आर शर्मा द्वारा निर्देशित केसरी। Thank you.
हमारी सेना के वीर सिपाहियों को नमन करने के लिए प्रेरित करती उस कृति के बाद अगली कृति सेना के गौरव और उत्साह को प्रतिबिंबित करती है। सूबेदार मोतीलाल के निर्देशन में ताकत बदल की से जुड़ी देश को एक सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते सूबेदार मोतीलाल द्वारा निर्देशित कदम कदम बढ़ाए जाए। Thank you.
सबके हृदय को मातृभूमि भारत भूमि के लिए कर देती है और हमको अभिमान होता है अपनी स्वर्ण भूमि पर और उसके वीर सपूतों पर। सूबेदार मेजर जे आर शर्मा के नेतृत्व में सारे जहां से प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्षण यादगार रहेगा हम सबके मानस पटल पे।
इन उत्साहजनक धुनों की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारे संगीत विभाग द्वारा देशभक्ति के कुछ गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रथम गीत याद है सर्वोच्च बलिदान की, जो हमारी रक्षा के लिए हमारे कितने ही सैनिकों ने दिया है। गीत है मेरे वतन के लोगों।
संभालने वाले युवा पीढ़ी को समर्पित है गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। Thank you.
को बहन संभाजी तेरे अपनी जान पे, बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम उसको का ठोला मिला, विश्वविद्यालय के एक युवा कवि और हमारे यहाँ शिक्षक श्लेष गौतम द्वारा अब एक कविता प्रस्तुत करनी चाहेगी, जो युवा मानस पटल पर इस ऐतिहासिक क्षण को अंकित करेगी। पीछे बैठे हुए सभी एनएसएस के और एनसीसी के बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे कृपया शांत रहें। सभी एनएसएस और एनसीसी के बच्चे कृपया शांत रहें। मैं श्लेष गौतम जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। बहुत बहुत आभार। सेना के अदम में साहस शौर्य पराक्रम को मैं अशेष प्रणाम करता हूं और माननीय कुलपति महोदया जी का हार्दिक आभार कि आज मुझे भी शब्द पुष्प और भाव रचना के लिए अवसर दिया। मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात रखूंगा, क्योंकि जैसे कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो सेना का शौर्य और पराक्रम भी वही है जिस पर हम जितना कहेंगे उतना ही कम होगा। यह अशेष है, अनंत है, असीम है। बस आपका साथ चाहूंगा सेना को नमन करते हुए। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी। सेना को नमन करते हुए पढ़ रहा हूं। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीजगी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। सेना ने न सिर्फ अपना पराक्रम अपना शौर्य दिया है, बलिदान दिया है, बल्कि पीढ़ियों को प्रेरित भी करती रही है। जब ये प्रेरित करती है तब मैं कहना चाहता हूं कि सेना उस अंधेरे में रोशनी की तरह है। यह मशाल सिर्फ अग्नि नहीं है, यह उम्मीद है हम सबके लिए कि उस परंपरा का निर्वहन कर रही है जो अपने देश के लिए मर मिटने पर निर्धार होने के लिए है। बच्चे बच्चे की आंखों में यहां तिरंगा पलता है, बच्चे बच्चे की आंखों में यहां तिरंगा पलता है। इसीलिए आतंकी मंसूबों को देश के खलता है। सुनो पागलों, कान खोल कर बेमतलब मत बोलो। तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है। जहां जहां से मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं, और एक बहुत छोटी सी कविता से भी जरूर अलग से जोड़ूंगा सेना के उस बलिदान के लिए। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए,
याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। और सेना किसी वीरता को और सेना ने जो एक रास्ता दिखाया है, पर कई बार होता है जब हमने देखा है, क्योंकि इनके चयन का मापदंड, इनका आधार इतना सख्त होता है, इतना सेलेक्टिव होता है कि थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए तो कहीं गुंजाइश नहीं बचती। पर हमने हाल के वर्षों में देखा है, आप लोगों ने बलिदान जो दिया है उसको हम शब्दों में क्या ही बयान कर पाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि इतने भर में 6 फुट 6 साढ़े 6 फुट का वो जवान, वो सेना के अधिकारी, वो जब इतने में सिमट कर आते हैं अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके, तब कहीं मैंने एक कविता लिखी थी, उस छोटी सी कविता को आपके सामने रख करके, बहुत ज्यादा न समय ले करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस्म नहीं था जान नहीं थी, इतने में सिमट कर आया है जब हमारा वीर, जिस्म नहीं था जान नहीं थी कुछ भी तो पहचान नहीं थी, जिस्म नहीं था जान नहीं थी कुछ भी तो पहचान नहीं थी, घुंघराले वो बाल नहीं थे वो मूंछों की शान नहीं थी, जिस्म नहीं था जान नहीं थी कुछ भी तो पहचान नहीं थी, घुंघराले वो बाल नहीं थे वह मूंछों की शान नहीं थी, नहीं थी आंखें कान नहीं थे, कंठ नहीं थे गान नहीं थे, नहीं थी आंखें कंठ नहीं थे, नहीं थी आंखें कान नहीं थे, कंठ नहीं थे गान नहीं थे, एक पोटली भर में तू था कुछ टुकड़े थे प्राण नहीं थे, एक पोटली भर में तू था कुछ टुकड़े थे प्राण नहीं थे, पांव नहीं थे हाथ नहीं थे हंसते दिखते दांत नहीं थे, पांव नहीं थे हाथ नहीं थे हंसते दिखते, पांव नहीं थे हाथ नहीं थे हंसते दिखते दांत नहीं थे, सारी दुनिया साथ थी लेकिन बस तुम मेरे साथ नहीं थे, सारी दुनिया साथ थी लेकिन बस तुम मेरे साथ नहीं थे, ताबूतों में वजन नहीं था, ताबूतों में वजन नहीं था बेटे तेरा बदन नहीं था, ताबूतों में वजन नहीं था बेटे तेरा वजन नहीं था, ओढ़ तिरंगा तू आया था शान वतन था कफन नहीं था, शान वतन था कफन नहीं था, शान वतन था कफन नहीं था। 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि विश्वविद्यालय परिवार द्वारा जो यह परंपरा, मेरा मानना है कि यह अक्षय परंपरा रहेगी, निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है, इन नौ युवकों को भी आगे, युवक युवतियाँ जो भी हैं उनको बहुत हौसला देगी आगे बढ़ने के लिए। मैं विश्वविद्यालय परिवार के इस प्रयास के लिए, माननीय कुलपति महोदय के इस प्रयास के लिए 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगा। सेना को सहयोग करते हुए यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद। धन्यवाद श्रेष, आपकी कला पर हमको गर्व तो है ही, आज आपकी कलम के जादू बोली हमारा सलाम। युवा मन पर देशभक्ति की छाप कितनी गहरी होती है, इसका प्रमाण है भौतिकी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राजा राम जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा एक गीत, जो उन्होंने अपने छात्र के रूप में बिताए गए दिनों से याद किया है, तब से आज तक उस गीत को गुनगुनाया है और आज वो हमारे साथ उसको साझा कर रहे हैं। प्रोफेसर राजा राम यादव, आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता जी, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल श्रीमान एस मोहन जी, सभी राष्ट्रभक्त बंधुओं एवं राष्ट्रभक्त मेरे प्राणप्रिय छात्रों एवं सभा की संचालिका डॉक्टर जया कपूर जी, सन 1971 में जब ये विजयश्री मिली थी तब भी मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था 9वीं कक्षा में, संयोग है कि आज दोबारा इस संकल्प यात्रा में मैं भाग ले रहा हूँ। जिस भारत माता की कोख से
ये वीर जवान निकले उस भारत माता के प्रति गौरवबोध, ये गीतमय प्रस्तुति आपको समर्पित है। जब सारी दुनिया भूली थी माँ तुमने दीप जगाया था, बेसुध था मनुज तमिश्रा में जागृति का गान सुनाया था। जब महाप्रलय की लहरों में थी नष्ट हुई सुर सृष्टि सभी, अंतिम अवशेष भरी नौका तेरे हिमगिरी पर टिकी, तभी मानवता का नूतन पौधा माँ तुमने पुनः उगाया था, तूने ही पुनः उगाया था। जब सारी दुनिया भूली थी माँ तुमने दीप जगाया था, तेरे आंचल की छाया में मानव ने श्रुति का दूध पिया, तूने जग को व्यवहार सिखा सभ्यों सा शिष्टाचार दिया, तुमको माँ जग ने जाया था, तूने ही जग को पाया था, तूने ही जग को पाया था। जब सारी दुनिया भूली थी माँ तुमने दीप जगाया था, अब भी विक्षिप्त हुए जग को पथ दो दायित्व तुम्हारा माँ, मानवता के सुख शांति है तू तेरा ही एक सहारा माँ, फिर से वह व्रत पालो जननी युग युग से जिसे निभाया था, युग युग से जिसे निभाया था। जब सारी दुनिया भूली थी माँ तुमने दीप जगाया था, माँ तुमने दीप जगाया था, माँ तुमने दीप जगाया था। जय हिंद जय भारत। मातृभूमि के गौरव बोध के इस मधुर गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। न चाहते हुए भी संगीत की लहरियों को विराम देने का समय आ गया है और अब मैं आमंत्रित करती हूँ सेना मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन को, वे आए और कुछ शब्द हम लोगों से कहें। आपके प्रेरक शब्द हमारे युवा छात्रों का दिशा प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, senior professors, respected teachers and officials of this historic university, General Jai Singh Bansla, General Officer Commanding Purva Uttar Pradesh even Madhya Pradesh Sub Area, Brigadier Ajay Pasbola, Commander Prayagraj Military Station, Brigadier Krishna Kumar, Deputy Director General National Cadet Corps Allahabad, my brothers and sisters in uniform, NCC and NSS cadets who are present here, dear students and all citizens of this great country who assembled to celebrate this occasion today in this historic venue.
What a glorious event and evening this is turning out to be. A wonderful Prayagraj evening, an atmosphere filled with the blessings of the Triveni Sangam nearby. The silhouette of the magnificent Vijayanagara Hall that is behind us, with its resplendent turquoise blue dome reaching out to the sky, and this building to my left and to your right, which is decked in tricolour, the Swarnim Vijay Varsh victory flame in front of us, all of you resplendent young men and women of India. Beautiful evening, and I thank the Vice Chancellor for making this possible. I also acknowledge at the very beginning the efforts of Professor N.K. Shukla, the Registrar of this University, without whose beneficence this evening would not have been possible. I also thank Dr. Jaya Chadha, who enabled the conduct of the function in the most befitting manner. I thank all of you who have come here, because of whom the honour and pride of every serving soldier who is here has gone up a notch, and the glory of this flame has also enhanced. Thank you very much for being here and honouring the flame and honouring the uniforms that are there in this lawn today. 1971 की जीव जो जीत भारत को हुई है वो एक सामान्य जीत नहीं थी. जैसे वाइस चांसलर ने बताया, उस टाइम में हम में से कई लोग शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था. मेरा खुद का भी वही 6 साल का उम्र था 1971 में. The war was very unique in the history of the world and the military history of the world for very many reasons. Not many bilateral wars in the world have resulted in the creation of a new democratic country. 1971 did. Not many wars have ended with the formal surrender of 93,000 soldiers with arms of a country to another country. In this war, it happened. Not many campaigns have been fought by a country on two different fronts, the east and the west, with a distance of about 3,000 kilometers from each other. This war witnessed that. Not only that, is ladai ke baad jo 93,000 prisoners of war liye gaye the, unko is maryada ke saath Bharat ne treat kiya ki Geneva conventions jo bane the, usse bhi kai guna zyada चल के पूरी विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर रह गया. और सबसे मुख्य बात, दिस वॉर वॉज नॉट वन बाय द आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स अलोन. दिस वॉर वॉज नॉट वन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे अलोन. दिस वॉर वॉज वन बाय एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम जामनगर टू एवरी नेशन. We fought this war together, a wonderful victory.